इच्छा, आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, यही सब मानव समाज के चालक होते नहीं? यदि कोई आपसे पूछे कि आप कौन, तो आपका उत्तर क्या होगा? विचार कीजिए। आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि आपकी इच्छाएं ही आपके जीवन की व्याख्या है। कुछ पाने से मिली सफलता, कुछ ना पाने से मिली निष्फलता ही आपका परिचय। अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं कि स्वयं भीतर से मरते रहते हैं, किंतु अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाते। इच्छाएं उन्हें दौड़ाती हैं जिस प्रकार मृग कृष्णा मृग को दौड़ाती है। परंतु इन्हीं इच्छाओं के गर्भ में ही ज्ञान का प्रकाश है। कैसे? जब इच्छाएं अपूर्ण रहती और टूटती, तब वहीं से ज्ञान की किरण प्रवेश करती है मनुष्य के हृदय में। ना, ये कथा नहीं है केवल इच्छाओं के संघर्ष की, नहीं है केवल महत्वाकांक्षाओं से जन्म लेने वाले भयावह रक्तपात। ये कथा है इच्छाओं के गर्भ से उदित होते हुए ज्ञान की। मैं वासुदेव कृष्ण आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पे चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम है महाभारत। संतानों के भविष्य को सुख से भरने का प्रयत्न करना, यही हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है, जिन्हें आप इस संसार में लाए और जिनके कर्मों से ये जगत आपका भी परिचय पाएगा भविष्य में। उनके भविष्य के सुख की योजना करने से अधिक महत्व और हो भी क्या सकता है? किंतु सुख और सुरक्षा, क्या ये मनुष्य के कर्मों से प्राप्त नहीं होते? माता पिता के दिए हुए अच्छे या बुरे संस्कार, उनकी दी हुई योग्य अथवा अयोग्य शिक्षा, क्या आज के सारे कर्मों का मूल नहीं? संस्कार और शिक्षा से बनता है मनुष्य का चरित्र। अर्थात माता पिता अपनी संतानों का जैसा चरित्र बनाते हैं, ऐसा ही बनता है उनका भविष्य। किंतु फिर भी अधिकतर माता पिता अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता में उनका चरित्र निर्माण का कार्य भूल ही जाते हैं। वस्तुतः जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं, उनकी संतानों को कोई लाभ नहीं होता। किंतु जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की नहीं, उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, उन संतानों की प्रशस्ति समस्त संसार करता है। स्वयं विचार कीजिए। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में
वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं? स्वयं विचार कीजिए। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। पूर्वजों की इच्छा आशा महत्वाकांक्षा क्रोध बैर प्रतिशोध, यही सब आने वाली पीढ़ी की धरोहर बनते हैं। माता पिता अपनी संतानों को देना तो चाहते हैं समस्त विश्व का सुख, पर देते हैं अपनी पीड़ाओं की संपत्ति। देना चाहते हैं अमृत, पर साथ ही साथ विश्व का घड़ा भी भर देते हैं। आप विचार कीजिए, आपने अपनी संतानों को क्या दिया आज तक? अवश्य प्रेम ज्ञान संपत्ति आदि दिए, पर क्या साथ ही साथ उनके मन को मैल से भर देने वाले पूर्व ग्रह नहीं दिए? अच्छे बुरे की पूर्व निर्धारित व्याख्याएं नहीं दी? व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, समाजों का समाजों के साथ, राष्ट्र का राष्ट्र के साथ संघर्ष क्या इन्हीं पूर्व ग्रहों से निर्मित नहीं होते? हत्या मृत्यु रक्तपात क्या इन्हीं पूर्व ग्रहों से नहीं जन्मते? अर्थात माता पिता अपनी संतानों को जन्म के साथ मृत्यु का दान भी देते हैं, प्रेम के प्रकाश के साथ साथ घृणा का अंधकार भी देते हैं। और अंधकार मन का हृदय का हो या वास्तविक हो, उससे केवल भय प्राप्त होता है, केवल भय। स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के हृदय में भय का साम्राज्य रहता है सदा। कभी संपत्ति के नाश का भय, कभी अपमान का भय, कभी अपनों से छूट जाने का भय। इसीलिए भय का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है।
क्या कभी विचार किया है? जो स्थिति अथवा वस्तु भय को जन्म देती है, क्या वहीं से वास्तव में दुख आता है? नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं। और सबका अनुभव तो ये बताता है कि भय धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। भय केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या ये जानते हुए भी कि भय कुछ और नहीं, केवल कल्पना मात्र ही है, इससे मुक्त होकर निर्भय बन पाना क्या बहुत कठिन है? अवश्य विचार कीजिएगा। जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते। पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है।
किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न ना कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं? स्वयं विचार कीजिए।